नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो मणिपुर और असम की बॉर्डर में स्थित जिरीबाम से मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बीच चल रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि असम की गुवाहाटी से ब्रॉडगेज कन्वर्शन वाया न्यू सिलचर स्टेशन होते हुए जिरीबाम तक कुछ सालों पहले ही कम्प्लीट कर दी गई थी। इस प्रोजेक्ट को साल 2009 में स्टार्ट किया गया था और साल 2016 में इस रूट का निर्माण के काम को कंप्लीट कर दिया गया था, जिसके बाद 21 मार्च 2016 को पहली गुड्स ट्रेन इस ट्रैक पे चलाया गया था और उसी साल मई में ये रेल रूट यात्रियों के लिए खोल दी गई थी। दोस्तों, अगर बात करें इसके आगे जिरीबाम से इम्फाल के बीच इस 111 किलोमीटर की रेल प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट को 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको 2008 में ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि ये प्रोजेक्ट को बाय एनी मीन्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करना था। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग 13,809 करोड़ बताया जा रहा है और इस रूट की कंप्लीशन को 2018 में टारगेट किया गया था, लेकिन इस पहाड़ी सेक्शन की नेचुरल चैलेंजेस के वजह से बाद में इसको 2020 किया गया था और अब इस डेडलाइन को एक्सटेंड करके मार्च 2022 कर दी गई है। हालांकि रेलवे इसको 2021 तक कंप्लीट करने का दावा कर रहा है। वैसे तो दोस्तों, रेलवे कनेक्टिविटी के अलावा रोड कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है, लेकिन इस नेशनल हाईवे की कंडीशन बहुत ही बुरी स्थिति में है, क्योंकि इस हिली रीजन में मॉनसून के वक्त काफी बारिश होती है, जिसके वजह से यहाँ आए दिन लैंडस्लाइड होते रहते हैं, जिससे स्टेट को दी जाने वाली खाने पीने और अन्य चीजों की सप्लाईज पे रुकावटें आती है। इसलिए रेल की कनेक्टिविटी मणिपुर जैसी स्टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस 111 किलोमीटर की रेलवे स्ट्रेच पे टोटल 45 टनल्स और 149 ब्रिजेस है। इससे आप समझ सकते हो कि इस रूट को तैयार करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स को पहुंचाना भी एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इस रीजन में कनेक्टिविटी चैलेंजेस के साथ साथ मिलिटेंसी भी काफी एक्टिव है, जिसके वजह से इन रिमोट साइट पे गवर्नमेंट को वर्कर्स की सिक्योरिटी को अलग तरीके से इंश्योर करना पड़ता है। इस रूट में NF रेलवे के द्वारा सबसे अनोखा और आधुनिक रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर्स है और निर्माण के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा। इस पुल को इजाई नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की जियोग्राफी को देखते हुए इस पुल को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये सिस्मिक जोन 5 की भूकंप को झेल पाए। रेलवे के अनुसार इस ब्रिज को लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने इस रूट की सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन के बाद इसको इम्फाल से फर्दर एक्सटेंड करके म्यांमार तक कनेक्ट करने का लक्ष्य तय किया है, जिसके बाद भारत और म्यांमार के बीच इंटरनेशनल ट्रेड में और सुधार देखने मिलेगी। इसलिए जिरीबाम से इम्फाल के बीच ये रेल लिंक भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। दोस्तों, रेलवे के मुताबिक इस रीजन में 60% ऑफ रेल कनेक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया गया है और बाकी बचे हुए निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और आशा है कि 2022 तक ये रेल रूट बन के तैयार हो जाए। वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। इस रेल कनेक्टिविटी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।